हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, जिसका इंतजार था, बच्चे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाउंडेशनल केमिस्ट्री के मैं लेके आया हूं। और देखो बच्चों, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं जो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, मैं एक्चुअली सही बताऊं तो इंपॉर्टेंट जैसी चीजें बिलीव नहीं करता हूँ। थोरो स्टडी पे बिलीव करता हूँ, लेकिन हाँ, बच्चे चाहते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो उसकी भी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को उतनी आप लोगों की चीजें पूरी करवा दूं, मैं उतनी चीजें आप लोगों को यहां बता पाऊं कि एटलीस्ट जो बच्चा पढ़ रहा है उसको तो इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वो अपना पढ़ेगा। जो बच्चे थोड़ी पढ़ाई में किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, पीछे रह गए हैं, ठीक है ना, तो इस कंटेंट की हेल्प से वो एटलीस्ट जो उनका 40% का टारगेट है, 40 नंबर लाने का टारगेट है, 20 में से 40 में से, पता ही है सारा क्राइटेरिया मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। 20 नंबर तुम्हारे इंटरनल से जाएंगे, अगर वहां से तुम 10-15 तक ले आए हो, है ना, तो बचे कितने फिर? 20 उधर है तो 20 इधर है, तो तुम इंटरनल कितने ले आते हो, फिर एक्सटर्नल कितने, वहां से तुम कितने ला पाओगे, तो वो मिला जुला है। तो कोशिश ये है कि एक भी बच्चा फेल ना हो, ठीक है ना, किसी वजह से बैक ना लगे, खराब लगता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा मामला डिले भी रहा, है ना, मैं टाइम पर कुछ वीडियोस नहीं डाल पाया। असल में डाल क्या पाया उसका मैं बेसिक रीजन बता दूं बच्चों आप लोगों को, क्या था कि शायद आप लोगों ने देखा होगा, मेरा पहला वीडियो जो यूट्यूब पे आया था फार्मेसी को लेकर के, वो 6 नवंबर को आया था, है ना। तो मैंने अपना सिलेबस नवंबर से डालना स्टार्ट किया था, और मेरे को लगा था कि शायद सिर्फ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके आगे मैं फिर बाद बाकी नेक्स्ट ईयर में देखेंगे, लेकिन वो टाइम से खत्म हो पाया, उसमें भी कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं, मुझे पता है। ठीक है, देखो मैं भी इंसान हूँ यार, पूरी तरीके से एकदम हर एक चीज़ नहीं कर पाता हूँ, दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी कई बार, ठीक है ना। जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत से बच्चे पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए मेरे लिए, मेरे ऊपर, और उन लोग मेरी वजह से कुछ फेस कर पा रहे हैं जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। फॉर उसके लिए जो मेरी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं भी काम में फंस जाता हूँ, शरीर है कई बार साथ नहीं देता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो लेट भी स्टार्ट किया, सबसे बड़ा रीज़न रहा लेट स्टार्ट करने का, और तो बाद बाकी चीज़ें कवर अप हो जाती है। तो नवंबर में मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने सोचा नहीं था कि दो दो सब्जेक्ट पूरे कवर कर पाऊंगा करके मैं, लेकिन तब भी काफ़ी बेटर रहा, नवंबर से स्टार्ट किया। यही अगर मैं शायद जून जुलाई से स्टार्ट कर देता तो मेरी समझ से सब कुछ बढ़िया चल रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, गारंटी है। पेपर जहाँ जुलाई में खत्म हो गए, आपका नए लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो ये कुछ बातें मैं करना चाह रहा था। कुछ बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए मेरे ऊपर, कुछ खास एक दो सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैं फिर से उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 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 इस बार के लिए वेरी सॉरी, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा, यानी कि नेक्स्ट सेशन जो अभी बस 15-20 दिन रह गए हैं, टेस्ट खत्म हो जाएंगे, शुरुआत से लेके चलूंगा। और ये जो आप लोगों की दिक्कत है ना सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला इतना बढ़िया कि आप लोग लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन ढूंढेंगे नहीं, शुरुआत से तैयारी रहेगी, शुरुआत से एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चीज की तैयारी शुरुआत से होने वाली है। ठीक है ना, मतलब लास्ट मोमेंट में जो बच्चे भटक रहे हैं इस तरीके से, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इन सबकी मैं प्रॉब्लम ही खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, थंबनेल देख लिया होगा आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर न्यू सिलेबस। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, 3 नंबर 5 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या लिखें, कितना लिखें, कितने पेज भरें, कुछ बेसिक से सवाल है बच्चों को लेकर के। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, कैसे आएंगे, सबसे पहला सवाल यही है बच्चों के दिमाग में, ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, पहली बार आ रहा है ना, पहले ऐसा नहीं होता था। तो बच्चों ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात बताऊं तो फिर से मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर बता दूं मैं ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा। तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं आपके, है ना, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उन 4 में से 1 ऑप्शन सही करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, बिल्कुल लिख के दिया हुआ है वो दे देगा, 4 ऑप्शन ही नहीं होंगे, जब फिल इन द ब्लैंक्स आएगा या वन वर्ड क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द फैमिली ऑफ दिस, तो वहां पे आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। अच्छा, एमसीक्यू में क्या होता है, एक प्लस पॉइंट मिल जाता है कि 4 ऑप्शन होते हैं ना, तो एक आइडिया लगाने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और ये वन वर्ड क्वेश्चन आते हैं, वन सेंटेंस की एक लाइन में डिफाइन दिस, एक लाइन में डिफाइन करना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग
कि फंसने की संभावनाएं ज्यादा हो जाएंगी। एमसीक्यू में तो चार ऑप्शन सामने होते हैं, आप देख के कर ले जाओगे। बात समझ में आ रही है? इसीलिए ठीक है, तो ये मैंने इसलिए, और ये सारा पैटर्न तो पता ही है, पांच नंबर, तीन नंबर और एक नंबर, आठ नंबर वाला पैटर्न खत्म कर दिया है। यानी कि ठीक है, पांच नंबर और तीन नंबर, अब मुद्दा ये आता है कि इसमें लिखना क्या क्या है। तो आओ जरा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो बच्चों, मेरा पहला सीधा सीधा आंसर है फोकस ऑन सिलेबस। सिलेबस में खास करके जो हेडिंग्स होती हैं, सिलेबस में क्या होती हैं, हेडिंग्स होती हैं। कैसी हेडिंग्स होती हैं, ये देखो, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, उसमें स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव है, सोर्सेस में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन है। तो हमें हेडिंग पे फोकस करना है बहुत ज्यादा, जैसे स्कोप ऑब्जेक्टिव बोल दिया, उसमें अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब हमें स्कोप की 8-10 लाइनें, ऑब्जेक्टिव की 8-10 लाइनें दिमाग में सेट करनी है। ये नहीं कि पूरा पढ़ते चले जा रहे हो, बात समझ में आ रही है? हमें फोकस करना है सिलेबस, सिलेबस में एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है। ठीक है, जैसे यहां आ जाए, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। देखो यहां पे बात कर रहा है फंडामेंटल्स की, और अगर ग्रेविमेट्री की बात करूं तो यहां पे प्रिंसिपल और मेथड स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है, प्रिंसिपल और मेथड। यहां पर जो है ऊपर ऐसा नहीं लिखा है कि इनके प्रिंसिपल और मेथड, इसमें बोल दिया फंडामेंटल। बेसिक बातें पता हो तुम लोगों को, है ना, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, तो बेसिक बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जिसको मैं कुछ डिस्कस भी किया। इसमें अभी दो तीन छूटे हुए हैं, सॉरी उसके लिए मैं, ठीक है, अब तो फिलहाल बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी ठीक है ना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है ना। अब कोशिश ये भी करो, जहां कहीं से भी ऑनलाइन किसी और दूसरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और टीचर्स हैं कुछ करा रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर आप लोग तीन चार चैनल का देख करके कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, तो मान लो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के आपने चार चैनल से या चार जगह से इकट्ठे किए, उन्हीं को पढ़ो, उससे ज्यादा मत पढ़ो। फिर बात समझ में आ रही है? उतना ही पढ़ लो वो चार जगह से, वो चार टीचर, वो सब टीचर अपनी अपनी जगह पे माहिर हैं, ठीक है, तो वो लोग भी अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर कुछ बच्चे बिल्कुल मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कोई बच्चा पूरी तरीके से किसी एक टीचर पर डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि जब ऑनलाइन का जमाना है तो पूरा फायदा उठाएं उसका, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ बेस्ट हो, ठीक है ना, जो कंटेंट हो सबसे बेस्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप तीन चार जगह या तीन चार चैनल से फॉलो कर रहे हैं, या एमसीक्यू क्वेश्चन तीन चार टीचर के बताए हुए पढ़ रहे हैं, तो वो तीन चार जगहों के, ठीक है, बस उतने ही क्वेश्चन पढ़ लें, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतने में काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और जो बच्चा शुरुआत से पढ़ता आ रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सारे लेक्चर्स बेकार हैं, ठीक है, वो तो अपना पूरा पढ़ रहा है, उसे मतलब नहीं है। क्लियर है बातें? तो देखो यहां पर जो मैंने बात बोली, फोकस ऑन सिलेबस ओनली, सिलेबस पर ही फोकस करना है, सिलेबस की हेडिंग में मेन चीज क्या पूछी जा रही है, ठीक है। इधर उधर भागना नहीं है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, है ना, डिटेल चले जाएं, ये कर लें वो कर लें, अब लास्ट मोमेंट ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा, जिसकी थ्योरी अच्छी है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ईजिली कर ले जाएगा, जिस बच्चे ने शुरुआत से कमांड लेके चली हुई है वो बिल्कुल ना घबराए। देखो उसके लिए साफ कह दे रहा हूं, जो बच्चा शुरुआत से पढ़ता हुआ चल रहा है वो बिल्कुल ना घबराए, उसका ऑब्जेक्टिव चुटकियों में हो जाए, मतलब वो तो परसेंटेज वाला बच्चा है। और जो बच्चे किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़ने में थोड़ा कम मन लगता है, कोई बात नहीं, ठीक है, उनके लिए हम जैसे टीचर हाजिर हैं, और जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी हम लोग हाजिर हैं, ठीक है। अब तो जिन बच्चों की थ्योरी बढ़िया चल रही है वो लोग बिल्कुल ना परेशान हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मेरा वादा है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें बस। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम सबकी है, कितना लिखें, कितने पेज भरें, ठीक है। अब देखो वन मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है उसमें कोई पेज भरना नहीं है, अब जरा सोचो आठ मार्क्स वाले क्वेश्चन या तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन। अच्छा, तीन मार्क्स वाले क्वेश्चन में बोलेगा क्लासिफाई दिस, है ना, क्लासिफाई करने को बोल देगा, या अब जैसे लेते हैं एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जरा एक यहाँ पे पीछे है, ओके, ये सब डिस्कस करना है अभी मेरे को ये। अब जैसे मान लो स्टडी द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेडिसिन कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू, ये पता ना सिलेबस है अपना, क्या क्या पढ़ना है हमें किसी कंपाउंड को लेकर के, उसका क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, यूजेस, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड देयर पॉपुलर ब्रांड। इसमें जितनी हेडिंग है, अगर पांच नंबर में क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो ये सारी हेडिंग लिख डालो उस पर्टिकुलर को लेकर के, क्लासिफिकेशन कर डालो, सारी चीजें लिख डालो पांच नंबर में अगर आ रहा है तो। तीन नंबर में आएगा बच्चों तो वो स्पेसिफिकली पूछेगा डिफाइन, ठीक है ना, डिफाइन एनेस्थेटिक्स एंड क्लासीफाई देम, सिंपल इतना रखेगा वो। और जितना पूछ रहा है ना, अब जब क्लासीफाई कर रहे हो बच्चों, क्लासीफाई करोगे तो चार्ट बन जाएगा, ठीक है ना, अब चार्ट तो एक पेज पे खत्म हो जाएगा,
उसके बाद भी अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा उसको करना चाहते हो कि नहीं लिखना चाहते हो, उसी क्लासिफिकेशन को लाइंस में नीचे एक्सप्लेन कर दो। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिखने के लिए है ही नहीं, पूछी इतनी चीजें गई हैं, हम पढ़ी इतना रहे हैं, तो कहाँ से ज्यादा पेज भर लोगे? अगर सारी चीज इसमें पेज भरने वाली चीज बताओ है क्या इसमें, जरा ये बताओ। अच्छा, सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है जो थोड़ा सा लंबा चौड़ा आ सकता है, वरना केमिकल नेम एक लाइन में आएगा, केमिकल स्ट्रक्चर मैं कह रहा हूँ 3-4 लाइन ले लेगा, डायग्राम बना लोगे, यूजेस 4-5 लाइनें, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन मतलब ले देकर एक पन्ना ये और एक पन्ना ये, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी अगर इसमें क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादा नहीं लिख पाओगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। दूसरे सब्जेक्ट की बात अभी मैं नहीं कर रहा, तो बात समझ में आ रही है? तो यहां पर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ये बात तो बिल्कुल दिमाग से उतार दें कि 4-4, 5-5 पन्ने भरने हैं, नहीं भर पाओगे भैया, क्या लिखोगे तुम इसमें, अच्छा बताओ, पॉसिबल ही नहीं है। 5 नंबर का सवाल है या 3 नंबर का सवाल है, 3 चीजें पूछ ली, वो बोल रहा है बताओ केमिकल नाम, केमिकल स्ट्रक्चर एंड यूजेस, 3 नंबर का सवाल 3 चीजें लिख के बोल रहा है कि एनेस्थेटिक के केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर और यूजेस बताओ। अब 3 चीजें पूछ रहा है, 3 चीजें तुम क्या लगता है इसमें 4-5 पन्ने भर लोगे? इसमें नहीं भर पाओगे भैया, वो आधे पेज में आंसर खत्म हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो लेकिन ठीक है, ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हो, जितनी ज्यादा मैक्सिमम चीजें याद रखी हुई वो सब लिख दो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, इत्तफाक से कई बार क्या होता है, मान लो एनेस्थेटिक पड़ा हुआ है तुम्हारा और वो 3 नंबर में आ गया सवाल और तुम्हें लगता है यार ये तो मेरे को पूरा आता था, ठीक है, तो उस सवाल को बचा लो, यार इसको तो पूरा आता, आखिर में लिखना, क्योंकि इसको तुम पूरा लिखोगे ना, अच्छा जो सवाल बहुत अच्छे से आता है उसको तुम पूरा लिखना चाहते हो, तो उसको क्या करो आखिर में ना करते हो, या फिर 3 नंबर में ही उसमें तुम भरो पूरा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिखो उसके बारे में, टीचर को लगेगा अच्छा 3 नंबर में बच्चा इतना लिख रहा है, यानी कि बच्चे को नॉलेज काफी है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। लेकिन एक चीज समझ लो, मेरा कहने मतलब क्या था कि 3 नंबर में अगर तुम 4 पन्ने में भरते हो, नंबर 3 ही मिलेंगे, 6 नहीं मिल जाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा था टू द पॉइंट रहने के लिए। अच्छा हाँ, जिसको कोई टॉपिक या कोई पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से पढ़ के गया, बहुत अच्छे से आता है, उसमें लिख सकता है आराम से बहुत ज्यादा, और वो 3 नंबर में आ गया सवाल, लिखो उसे पूरा, उसमें क्या होगा, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर के ऊपर, अरे यार बच्चे को तो सब आता था, बच्चे ने पढ़ रखा है, तो जो पहले लिख दोगे ना, तो उसमें फिर आगे थोड़ा सा क्या होता है, चेकिंग करने वाले का दिमाग माइंड सेटअप हो जाता है थोड़ा सा कि बच्चे को पता है, ठीक है। तो बातें समझ में आ गई, ठीक है, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, बाद बाकी तो चीज़ें होती रहेंगी, अब आगे आते हैं। अब क्या बोल रहा है, मैंने क्या कहा था, कितना लिखें, कितने पेज भरें, इसका आंसर मिला होगा, तो जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको पहले कर लो, फिर बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना, कोई कुछ भी कहे कि नहीं सिक्वेंस में चलना वगैरह वगैरह कुछ नहीं, अरे क्वेश्चन अगर आगे पीछे करोगे टीचर का कॉपी चेक नहीं करेगा क्या? लेकिन हाँ, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो बाकायदा क्वेश्चन नंबर पक्का डालो कि मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ, कि फिर मैंने 5वें का सी पार्ट कर रहा हूँ, ये इस तरह से मेंशन जरूर करना। जो कई बार बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर बस आंसर ऐसे लिख दिया, आंसर 5, अरे लिखो तो ये सी है कि डी है, कौन सा है, जब तुम सी डी नहीं लिखते हो टीचर फिर खिसिया जाता है टीचर कि यार ये क्या कर रखा है, कौन सा वाला पता नहीं चल रहा, पक्के से लिखना, मेंशन जरूर करना है, ये बात पक्का ध्यान रखना। बहुत से बच्चा गलती करता है, कौन सा अगर आगे पीछे लिख रहे हो तो कौन सा क्वेश्चन है उसका नंबर मेंशन नहीं करते हो, टीचर खिसिया जाएगा, वो ढूंढता रहेगा कि किसका है ये क्वेश्चन, कौन सा है उसका कौन सा पार्ट है, पक्के से मेंशन करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आते हो तो पहले कर लें, अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो पहले कर लें, नहीं तो लास्ट में करना। मान लो ऑब्जेक्टिव 20 है और तुम्हें इत्तफाक एक मान लेते हैं गंदी कंडीशन है, 4-5 ही आ पा रहे हैं, ज्यादा नहीं आ पा रहे हैं, अब तुम 4-5 ही करके छोड़ दोगे तो टीचर कहेगा देखो ऑब्जेक्टिव से एक नॉलेज का आइडिया लग जाता है, मैंने क्या कहा, जिसको थॉरो नॉलेज होगी वो ऑब्जेक्टिव बहुत ईजिली कर ले जाएगा, ठीक है, तो लास्ट में करें, अदरवाइज पहले कर लें। और फिर पता ही है ना, और लास्ट में करने का और बेनिफिट है ना, बच्चे फिर क्लास में क्या करते हैं समझ रहे होगे मेरी बातों को, ठीक है ना, हेल्प भी मिल जाती है कई बार इधर उधर से, तो वो लास्ट में करने हैं। 5 नंबर को पूरा एक्सप्लेन करो डिटेल में, जो जैसे मैंने अभी बताया था, वो जो 5-6 हेडिंग अपनी सिलेबस में दे रखी थी, 5 नंबर में पूरा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। 3 नंबर में जितना पूछा है उतना करें जो मैं बता चुका हूं, और अगर प्रश्न अच्छे से आता है तो डिटेल में एक्सप्लेन कर दो। अगर कोई क्वेश्चन 3 नंबर में है, 2-3 चीजें ही पूछी हैं, बोल दिया डिफाइन एंड क्लासिफिकेशन, तो अगर वो बहुत अच्छे से आता, तुम्हारा मन कर रहा है इसमें तो मेरे को सब आता था, केवल 2 चीजें पूछी, तुम सब लिखो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, टाइम का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उसमें आधा घंटा लगा रहे हो, ऐसा मत कर देना, टाइम का भी ध्यान रखना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि इसमें कितना लिखना है और क्या करना है, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें तुम लोग कहानियां नहीं लिख सकते हो, बात समझ में आ रही है ना, ये कहानियों वाला सब्जेक्ट नहीं है।
चलो चैप्टर वन समझ में आ रहा होगा, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ एरर, इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल, ठीक है ना, ये अपना कोर्स में है। अब इसमें से टाइप वन देखें जरा, हम लोग क्वेश्चन जो हमारे ऑब्जेक्टिव हो किस टाइप से आएंगे। क्वेश्चन कैसा रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट स्कोप पब्लिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, है ना। या तो वो बोलेगा ऐसा एक क्वेश्चन दे देगा, नीचे चार स्टेटमेंट दे देगा ना, क्वेश्चन ए बी सी और डी, चार स्टेटमेंट। अब बोलेगा बताओ कौन सी स्टेटमेंट में ये आंसर है। अब तुम लोग कहोगे सर क्वेश्चन तो बता दो भाई, जो सात आठ पॉइंट स्कोप और ऑब्जेक्टिव के होंगे वो तो याद करने पड़ेंगे ना, उसमें कौन सा पॉइंट डालेगा उसमें जरूरी नहीं है ना, वो मैं कैसे बता सकता हूँ उसको मैं, ठीक है ना। तो देखो मैं तरीका बता रहा हूँ एक चीज, ठीक है ना, वही बताऊंगा अभी कि क्या पढ़ना है। तो स्कोप और ऑब्जेक्टिव ये तो क्वेश्चन तैयार करना ही करना है, तीन नंबर पांच नंबर और ऑब्जेक्टिव के लिए, ये क्वेश्चन कहीं नहीं गया, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट रिप्रेजेंट, अब ऐसी चार क्वेश्चन दे दे, चार ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो स्कोप और ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, या तो स्कोप बोलेगा या ऑब्जेक्टिव को एक चीज पूछेगा, क्लियर है। ओके तो ये रहा हमारे पास स्कोप ऑब्जेक्टिव से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की संभावना। फिर बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये एक आपको हिंट है कि कहां पर कितना पढ़ना है, किस हिसाब से पढ़ना है। स्कोप ऑब्जेक्टिव में जो आठ आठ दस दस पॉइंट तुम लोगों ने याद कर रखे होंगे उन्हें अच्छे से याद कर लेना है। मान के चलो क्वेश्चन 99% चांस है कि आएगा ही आएगा, ठीक है ना, तीन नंबर पांच नंबर या ऑब्जेक्टिव में। नाउ सोर्सेस एंड टाइप ऑफ एरर, यहां पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए या प्रिसीजन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। चार स्टेटमेंट फिर वही क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा चार ऑप्शन होंगे ए बी या सी, या ऐसा हो सकता है स्टेटमेंट लिख के दे देगा, बोलेगा ट्रू है कि फॉल्स है एक्यूरेसी के लिए, ठीक है ना, या प्रिसीजन के लिए। बात समझ में आ रही है, देखो क्या करना है कैसे करना है। तो यानी कि अगर बोल रहा है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यानी कि इनका तुमको स्टेटमेंट अच्छे से याद होना चाहिए। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन अ गिवन नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना आता है, कोई नंबर दे देगा है ना, ऐसे बोल देगा 2.01, बताओ इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट इन आंसर ऑफ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तरीका है, दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है, तरीका याद है ना सिग्निफिकेंट फिगर का, भूल गए हो, कितना होगा इसका आंसर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तीन है ना, एडिशन में जो लास्ट वाला होता है उसमें जो कम वाला होता है वो लेते हैं, नहीं याद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ एरर, क्वेश्चन दे रहा है एरर कितने टाइप से होते हैं हमको पता है, वो एक दो तीन चार, वो नॉट द सोर्स ऑफ एरर, तीन ऐसे होंगे जो सोर्स ऑफ एरर होंगे, एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें सोर्स ऑफ एरर नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा हमको टिक करना रहेगा, या ट्रू फॉल्स हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। विद द फॉलोइंग एरर इज अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एरर है जो अनप्रिडिक्टेबल है, जो टाइप्स ऑफ एरर की हम लोगों ने, और उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना, नाम उसका क्लियर है। अब इंप्योरिटीज की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ इंप्योरिटी, है ना, चार ऑप्शन होंगे इसके, ए बी सी और डी, चार ऑप्शन, कौन सा सोर्स ऑफ इंप्योरिटी नहीं है, तीन होंगी एक नहीं होगा, या उल्टा बट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ इंप्योरिटी, तीन नहीं होंगे एक होगा, बात समझ में आ रही ना मेरी। वट इज द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, ये वो टाइप के वैरायटी है क्वेश्चन जहां से पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, क्या उसके इफेक्ट होते हैं, चार ऑप्शन दे देगा यहां पर, है ना, ए बी और सी और डी, बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा है जो क्या इफेक्ट पड़ता है, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा वाला, जो तुम्हें पता होगा तुम राइट मार दोगे, टिक मार दोगे, ठीक है ना। देखो मैं फिर बता रहा हूं यहां पर, मैं पर्टिकुलर एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं पूरा पूरा टॉपिक पढ़ने के लिए कह रहा हूं, यानी कि मैं कह रहा हूं कि बताओ इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी पढ़ लो पूरा, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बच्चों में इसलिए नहीं बता रहा हूं, धोखा हो जाएगा। मैं मान लो यहां पर तुमको आज की डेट में 30-40 क्वेश्चन करा देता हूं या 20 क्वेश्चन करा दिए मैंने इंपॉर्टेंट, अब 20 क्वेश्चन में बिल्कुल एग्जैक्ट टू द पॉइंट वाले, तुम लोगों ने क्या किया, टीचर भरोसा था, 20 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब हुआ क्या उसके चक्कर में, उस 20 में से इत्तेफाक वो ना हट करके थोड़ा सा आजू बाजू से आ गया क्वेश्चन, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए अब मान लो इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ना बनाते हुए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कशन ज्यादा कर रहा हूँ, उनमें से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसकी बातें कर रहा हूँ मैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जो बच्चे अगर इस उम्मीद में है कि बिल्कुल सर एकदम वो क्वेश्चन बता देंगे जो एग्जाम में आ रहे हैं,
तो मैं एग्जाम नहीं बना रहा हूं बच्चों, मैं हेल्प कर रहा हूं कि आप लोग इतना ना पढ़े इतना पढ़े, है ना। वो डायलॉग शायद आप लोगों के कॉलेज में फेमस भी होगा ना, क्या समुंदर भर पढ़ाई करी, याद है, बाल्टी भर याद रख पाए, पानी की बात हो रही है, जितना समुंदर में पानी उतना भर भर के पढ़ा, याद कितना रह गया, केवल बाल्टी भर के, और जब लिखने की बारी आए तो लिख कितना पाए, मग्गा भर केवल। तो इतना पढ़ोगे तो मग्गा भर लिख पाते हो या एग्जाम टाइम पे काम आता है, ठीक है। तो टू द पॉइंट वाली बातें थोड़ी सी, मैं अभी इसमें बातें भी और डिस्कस होंगी, सब बातें कर रहा हूं मैं, आगे आते हैं। लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट, है ना। अब बताओ लिमिट टेस्ट क्या होता है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आता है काफी ज्यादा एग्जाम में, तो हम सबको पता है ये कैसा है, क्वांटिटेटिव टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट नहीं है। विच एपरेटस यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट, नेशनल सिलेंडर होता है, सबको पता है। इन डैश लिमिट टेस्ट डैश कलर इज प्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन एक बड़ा आता है, किस लिमिट टेस्ट में कौन सा कलर आता है, या प्रेस्टेट बनते हैं या टाउडिटी आ जाती है, तो ये तुमको पता होना चाहिए किस लिमिट टेस्ट में, जो उसकी किस कलर से हम उसको चेक करते हैं कि हाँ उसके अंदर इम्प्योरिटी है। सबके याद कर लोगे, तीन चार टाइप के हमारे पास, बात समझ में आ रही है। इन डैश लिमिट टेस्ट है ना, आयरन का लिमिट टेस्ट है तो उसमें ये कलर आ रहा है, ठीक है, हैवी मेटल का है तो उसमें इससे हम चेक करते हैं कि हाँ उसके अंदर इम्प्योरिटी है, तो ये लाइन पक्के से याद होनी चाहिए, यहां से ऑब्जेक्टिव उठने की संभावना बहुत ज्यादा है। द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आयरन रिएक्ट विद मर्केप्टो एसिटेट, देखो अंडरलाइन करिए, यहां पर तुमको ब्लैंक मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक, है ना। अच्छा क्वेश्चन मान लो यही है, इसके चार ऑप्शन होंगे ए बी सी और डी, यहाँ पे दो लिखे होंगे इस टाइप से, कि बता कौन सा सही है, इन डैश या आयरन रहेगा तो केवल एक रहेगा ये। अब ये बच्चे कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे, चलो बताते हैं, मान लो यही बोल रहे हैं, इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच आयरन रिएक्ट विद डैश, आयरन रिएक्ट विद डैश, ये चार ऑप्शन हो गए। अब डैश वाला चाहे तो फिल इन द ब्लैंक से पूछ ले क्वेश्चन एग्जामिनर, चाहे वो चार ऑप्शन पूछ ले, और ये डैश तुम्हें पता होना चाहिए, मर्केप्टो एसिटिक एसिड, अगर ये डायरेक्ट याद रखने की बारी आती है तो थोड़ा सा कई बार दिक्कत आती है, चार ऑप्शन में होता है तो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। नाउ सब्जेक्टिव, तो मेरे ख्याल से ये है मेरे पास जो बता रहा हूं मैं, वैरायटी, किस वैरायटी के क्वेश्चंस आएंगे, यही वैरायटी का क्वेश्चन तुम्हारा एमसीक्यू बन जाएगा चार ऑप्शन वाला, और सेम क्वेश्चन तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स के रूप में भी आ सकता है, प्रिपेयर रहना। और यहां तो अभी इतना चांस नहीं है, मैच द फॉलोइंग भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, वहां लिखा नहीं है इसलिए हमने उसको डिस्कस नहीं किया, मैच द फॉलोइंग भी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में ही काउंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो कोर्स अपना सिलेबस में मेंशन नहीं था मैच द फॉलोइंग, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। आगे आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट रट के जाओ एकदम, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर रट के जाओ एकदम, एक्सप्लेन करने वाला है, राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ हैवी मेटल, हैवी मेटल को तो पढ़ के जाओ एकदम, ठीक है ना, व्हाट आर द इंप्योरिटीज, इंप्योरिटीज को पढ़ के जाओ, मतलब पहले चैप्टर में से मोटा मोटा अगर बात करें हम लोग, राइट नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ, ये तो तुम्हारे पक्के से एकदम, ये एक दो तीन चार टॉपिक वो हैं जो बिल्कुल पढ़ के जाने हैं, बिल्कुल पढ़ के जाने हैं। अब एक ये एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन और आर्सेनिक, यानी कि हैवी मेटल आयरन आर्सेनिक, ये तीन इंपॉर्टेंट हो गए, इनको पढ़ के जाना है। राइट ए नोट ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ, अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि नोट लिखो ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, तो जब बच्चों नोट लिखने की बारी आती है तो उसमें सब लिख डालो जितना पढ़ा है, उसका प्रिंसिपल तरीका मेथड प्रोसीजर कलर देख के क्या क्या होता है सब लिख देना, जब भी नोट वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें सब कुछ लिख देना है उसके अंदर, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है, राइट। अच्छा जब प्रिंसिपल की बात आएगी तो ये क्वेश्चन तुम्हारा तीन नंबर में आएगा, ठीक है ना, जब प्रिंसिपल की बात आएगी तो क्वेश्चन किस में जाएगा, तीन नंबर में जाएगा, फिर ये प्रिंसिपल की बात आएगी तो तीन नंबर में क्वेश्चन जाने वाला है ये, ठीक है ना। अब देखो बच्चे प्रिंसिपल बोल रहा है, कितनी कहानी लिखोगे इसमें, प्रिंसिपल होगी रिएक्शन दे दोगे अपने, खेल खत्म हो गया, अच्छे से आता तो पूरा एक्सप्लेन कर दो, बात ही खत्म होगी, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, मैं क्या चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि क्या चीज नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक। तो अब हमारे पास चैप्टर नंबर टू, फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, है ना, यहाँ पे हर टाइप का हम लोगों ने क्या कर रखा है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में बातें कर रखी हैं। तो आओ देखें यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ज्यादातर, यानी कि तुम्हें क्या याद करना है, किन चीजों पर जरूर जरूर से ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज यूज इन एक्स वाई जेड टाइट्रेशन, अब एक्स वाई जेड टाइट्रेशन कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड का मतलब एसिड बेस, ठीक है,
नॉन एक्वस, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक, रिडॉक्स या ग्रेविमेट्रिक। तो एक्स वाई जेड का मतलब ऊपर जितने दे रखे हैं उनमें से कुछ भी हो सकता है। यानी कि सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है, तुम्हें सबके इंडिकेटर पक्के से याद होने चाहिए। क्वेश्चन आ रहा है मान के चलो ये, ठीक है। अब किसका पूछ लेगा ये डिपेंड करेगा। इन एक्स वाई जेड मेथड द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इज, अब वो बोलेगा बताओ इन एसिड बेस्ड टाइट्रेशन मेथड द डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट इज, आखिरी में जब एंड पॉइंट आ जाता है तो कैसे पता चलता है ना, कलर में चेंज आता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन ये बनता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव बात बता रहा हूं, यानी कि ये लाइनें तो अब कितने हैं, पांच, चार पांच है ना, सबकी याद कर लो, सबके इंडिकेटर, सबका एंड पॉइंट याद करो पक्के से। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये क्वेश्चन है, वो बता दे रहा हूं कि अगर इतना याद कर लोगे और 20 में से 15-16 क्वेश्चन कर ले गए तो काम हो जाएगा फिर, है ना। नाउ अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, डैश टाइट्रेशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट डैश, है ना। कैसे क्वेश्चन बोलेगा, यानी यहां बोल देगा बताओ कि ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करने में होता है, या कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट दिस, या डैश टाइट्रेशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, मतलब ये दे रखा होगा तो ये पूछ लेगा, ये दे रखा होगा तो ये पूछ लेगा। यानी कि फिनर ब्लैंक्स वन दे रखा होगा तो टू के बारे में पूछेगा, टू दे रखा होगा तो वन के बारे में पूछेगा। यानी कि ये तीन वैरायटी हैं, इंडिकेटर, कलर और कौन सा टाइट्रेशन किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये पक्के से पता होना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा संभावना क्वेश्चन आने की यहां से। सब्जेक्टिव में क्या आएगा, सब्जेक्टिव बेसिकली कैसा आएगा, व्हाट इज टाइट्रेशन, एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द टाइट्रेशन, अगर ये क्वेश्चन आ गया फिर तो मजे हो गए, है ना। कोई दो टाइट्रेशन बहुत अच्छे से तैयार करके जाना। अब दो में जैसे मैंने बता दिया एसिड बेस हो गया यहां पर और एक ग्रेविमेट्रिक हो गया, ये कोई भी दो टाइट्रेशन का, दो याद है दो और याद कर लेना, क्यों, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो मजे हो गए, मर्जी से कुछ भी। अब यहां पे क्या कर सकता था, व्हाट इज टाइट्रेशन, यहां पे ये नहीं कि डिफाइन एक लाइन करके छोड़ दिया, टाइट्रेशन क्या होता है उसको बताओगे, फिर बताओगे हमारे पास कई टाइप से टाइट्रेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस 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 दिस, अगर पांच नंबर में आ रहा है, ठीक है, हर एक के बारे में तुम उसके इंडिकेटर के बारे में थोड़ा जिक्र कर दोगे और फिर अपना एक उठाओगे और उसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, क्लियर है। अब यहां पर डिपेंड करता है, ये वाला जो क्वेश्चन है तुम कितना भी लिख सकते हो, है ना। कुछ बच्चों ने लिमिटेड पढ़ा होगा, थ्योरी वगैरह पढ़ रखी है, तमाम चीजें पढ़ रखी है, सब लिख डालो, क्योंकि यहां पर कुछ मेंशन नहीं है, फंडामेंटल बोल रहा है तो फंडामेंटल के हिसाब से बेसिक बेसिक बातें होनी चाहिए। बट क्या है, अगर ज्यादा पढ़ लिया तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब पर्टिकुलर कोई पूछ लेगा एसिड बेस्ड थ्योरी है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन एक्सप्लेन करो, ठीक है, या प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, ये थोड़ा सा ज्यादा आने की संभावना क्यों है, अलग से डाल दिया इन्होंने, ठीक है ना। तो इसको तो पक्के से पढ़ के जाओ, साथ में वहां पर एसिड बेस को पक्के से पढ़ के जाना है। बात बाकी मैंने जैसे बताया दो या तीन अपने अच्छे से तुमको तैयार होने चाहिए, कोई भी दो में से तीन में से पूछ लेगा। अब देखो मैं बच्चों वही बात बता रहा हूं, मैं बोल दूं कि नहीं एसिड बेस ही पढ़ के जाओ और वो गलती से कुछ और आ गया, फिर समस्या खड़ी हो जाएगी ना, ज्यादा संभावना इसकी है। कहां से बता रहा हूं ये मैं, ठीक है, कोई भी टीचर कहां से बताता है ये बातें, किसी भी टीचर का एक्सपीरियंस आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पैटर्न रहा है पूछने का, वहां से किसी भी टीचर का एक एक्सपीरियंस आता है कि अच्छा हाँ ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो टीचर्स होते हैं उसी के आधार पर तुम लोगों को चीजें सेट करवाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये तो पढ़ना ही है, क्लियर है बातें। नाउ चैप्टर थर्ड, बताइए हमें क्या है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। तो यहां अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर क्वेश्चन कैसा बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कि क्वेश्चन क्या बना, और बोलेगा एक क्वेश्चन दे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मेडिसिनल गैसेस, क्वेश्चन आ गया, चार ऑप्शन ए बी सी और डी, तो एक दो तीन चार, है ना। तो तीन नहीं होंगे, एक होगा, क्लियर है, या उल्टा हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक दो तीन, तीन होंगे चौथा नहीं होगा। मान लो मेडिसिनल गैस का बोल रहा है, एक CO2 लिखेगा, एक नाइट्रस ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन, तीसरा लिख देगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो नहीं होगा। क्वेश्चन समझ लो कैसा आएगा, यानी कि यहां पर तुमको थोड़ी सी समस्या खड़ी होगी। क्या समस्या खड़ी होगी तुम्हें यहां पर, हर एक के अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, जो जहां जहां केमिकल है, देखो जहां जहां केमिकल है, सिल्वर नाइट्रेट, आयनिक सिल्वर, क्लोरहेक्सीडीन, है ना, नहीं भी है, तो ये तुमको पता होना चाहिए किसके अंदर क्या आ रहा है, तब ये वाला ऑब्जेक्टिव तुम करने में सक्षम होगे। अब तुम कहोगे सर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो मेडिसिनल गैस तो बच्चों पढ़ ही लेना, ठीक है ना। मेडिसिनल गैस के अलावा तुम लोग एक GIT, ठीक है ना, ये दो तो पक्के से पढ़ के जाना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट और मेडिसिनल गैसेस, इनके बारे में फुल नॉलेज होनी चाहिए,
क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, द यूज ऑफ एक्साइजेड, वो बोलेगा क्वेश्चन द यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज, एक दो तीन चार ऑप्शन दे रखा होगा, क्लियर है। अब तीन नहीं होंगे, एक होगा, या चार पांच यूज होते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, तीन होंगे एक नहीं होगा, तो यूज पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन तुम्हारा स्टेप से उठता है, फॉर्मुले, फॉर्मुले यहाँ पे कुछ जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट का पूछा गया है, नाइट्रस ऑक्साइड का, सिल्वर नाइट्रेट का, मतलब चार ऑप्शन दे देगा, व्हाट इज द फॉर्मुला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, या व्हाट इज द फॉर्मुला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप, क्लियर है बातें। तो इस टाइप से ये चार वैरायटी बनती है, वैरायटी और भी है बच्चों, जो बहुत ज्यादा मैं फिर बात बता रहा हूं, मैं वो कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग जो बहुत अच्छे पढ़ने में, उनके लिए तो काम कोई दिक्कत ही नहीं है, जो थोड़ा सा कम पढ़ाई कर पाए हैं वो एटलीस्ट खींच करके पास हो जाए, क्लियर है। नाउ द सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में यहां कुछ नहीं आने वाला, तीन नंबर पांच नंबर पर आएगा एक्सप्लेन, एंटा एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड, डेंटल प्रोडक्ट, ठीक है ना, तीन जो मैंने पढ़ने हैं, एंटा एसिड, नाइट्रस ऑक्साइड और डेंटल प्रोडक्ट बाय गिविंग वन एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, तो इनको तुम लोग पढ़ के जाओगे तो एक्सप्लेन करने में आएगा तो पूरा आएगा, या कई बार एक्सप्लेन करने में उल्टा उल्टा दे देता है, बोलेगा एक्सप्लेन नाइट्रस ऑक्साइड, अब तुम कहोगे नाइट्रस ऑक्साइड को क्या एक्सप्लेन करना है, तो इसमें भैया सबसे पहले बताओगे कि ये एक मेडिसिनल गैस होती है, अब मेडिसिनल गैस को लेकर के सारी बातें एक्सप्लेन करोगे और फिर नाइट्रस ऑक्साइड को एक्सप्लेन कर दोगे, हो गया आंसर, बात समझ में आ रही है। तो अब यहां पर सवाल फिर वही उठता है कि सर इतना सारा है क्या पढ़ लें, तो बच्चों मैं फिर वही बात बता रहा हूं, जो मैंने यहां कुछ नाम मेंशन कर दिया उनको तो पक्के से पढ़ के जाओ, उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने खरीद लिए हैं किसी का, किसी पब्लिकेशन का, ठीक है, या आपके दोस्त ने खरीद लिया है, एक बार उसको ले आओ, उसमें कौन कौन से ड्रग पहले आ चुके हैं उनको अपने सिलेबस में टिक मार लो कि ये पहले पहले आ चुके हैं, तो इनको तो पक्के से पढ़ना है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। या जो तरीका मैंने बताया आपको नेट या ऑनलाइन से कहीं से आप कलेक्ट कर रहे हैं, तीन चार टीचर का आप लोगों ने लेक्चर्स देख लिए हैं, उन्होंने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बता दिए, तो उन चार पांच को ही बड़ी कायदे से पढ़ लो, क्लियर है। ठीक है, अब आता है चैप्टर नंबर फोर, ये थोड़ा सा बच्चों कराया नहीं था मैंने, ठीक है, नहीं करा पाया क्योंकि अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है इसको, मतलब ठीक है, तो अब किसी वजह से भी रह गया, ठीक है ना, सॉरी फॉर दैट, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा तुम्हारे पास। पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे पास यहाँ से आएगा वो एक बहुत बेसिक सवाल सा आता है, विच एटम इज प्रेजेंट इन हेटरो एटम इन, अब वो इंडोल पूछ सकता है, ठीक है, पायरोल पूछ लेगा, ऑक्साजोल पूछ लेगा, ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ देगा, ठीक है ना, ये आ गया फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन समझ में, विच एटम इज प्रेजेंट इन हेटरो एटम इन इंडोल, है ना, तुम्हारे पास जो क्या कहते हैं जैसे ऑक्सा एजा थाया सेलेना, या बोलेगा विच हेटरो एटम इज प्रेजेंट इन आरसा, ठीक है ना, आरसा कंपाउंड, तो तुम्हें पता होना चाहिए किसके अंदर क्या मौजूद होता है, जैसे इंडोल के अंदर एन होता है, ऑक्साजोल के अंदर ओ और एन दोनों होते हैं, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ लिस्ट दे रखी है हेटरो एटम और प्रीफिक्स क्या लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जर्मा है ना, सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, ठीक है, जर्मेनियम है, फॉस्फोरस, टेरिलियम, सेलेनियम, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बेसिकली इनका ही इस्तेमाल होता है, वैलेंसी को लेकर के बातें होती हैं कुछ, फिर यहाँ पर मैंने कुछ बातें बताई हैं, रिंग का साइज तीन होगा तो, और उसमें एन होगा तो उसमें इरीन लगता है, फोर होगा तो उसमें ईट लग जाएगा, एन नहीं होगा तो आयरीन लग जाएगा, ठीक है ना, तो ये अब तुम कहोगे सर क्या करें, अगर इसमें बहुत ज़्यादा संभावना है आईयूपीएसी के पूरे रूल्स लिखने को नहीं आते हैं, आईयूपीएसी का पूरा रूल लिखने को नहीं आएगा, ठीक है, फिलहाल तुम लोग ये दो टेबल पक्का याद कर लेना, अगर रूल लिखने को आते हैं थोड़े बहुत तुम लोगों को याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद हो गया होगा अब तक, उसके अलावा ये टेबल वहां जरूर छापाना, खेल खत्म तीन नंबर में, ठीक है ना, और थोड़ी बहुत बातें जो है और एक्स्ट्रा कर रखें, इसके अलावा कुछ एग्जांपल दे देना, जैसे कि मैं बताता हूं, एग्जांपल नीचे आऊंगा, विच इज नॉट अ सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो चार ऑप्शन दे रखा होगा, तो उसमें हमको पता है फ्यूरॉन जो है सिक्स मेंबर नहीं होता, पांच मेंबर होता है, उसमें पांच ही एटम होते हैं, है ना, बात समझ में आ रही है। तो अब कुछ बेसिक बातें कौन कौन पता होना चाहिए, देखो फ्यूरॉन एक दो तीन चार और पांच, एक दो तीन चार और पांच, क्लियर है बातें, है ना, कितने मेंबर हैं इसमें, एक दो तीन चार और पांच ही मेंबर हैं, थायोफीन में एस होता है, पायरोल में एन होता है, पायरिडीन में भी एन होता है, बट ये सिक्स मेंबर है, ये फाइव मेंबर है ना, ये सारे पांच मेंबर है, छह मेंबर, तो कुछ नहीं करना, जितने कंपाउंड मैंने यहाँ लिख दिए हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है, वन मार्क्स क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आगे आते हैं,
नेक्स्ट क्या है, जैसे कि 2-2 बाइपायरिडीन, 2-2 रेशियो 4-4-3 टर्ट थायोफिन, ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि 2 or 3 मेंबर रिंग होती हैं जो हमारे कुछ आईपीसी में आ सकती हैं, तो वो मैंने कुछ यहाँ दे दिए हैं, इतने ही पढ़ना, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेंजो डी थायोफिन, ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कंपाउंड तरीके फिलहाल, हाँ तरीका यही है, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर तरीके क्या है, तरीके अभी फोकस नहीं करना है, अभी हमें केवल क्या करना है, अब इसको एक आइडिया लगा लेना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ 1 पे क्या मिथाइल लगा ना, यहाँ पे मिथाइल लगा था 1 पे हो गया, 1-2 लिखा भी हुआ है 1-2 करके, है ना, तो 1-2 मिथाइलिन डाजोल, ठीक है ना, तो पायराजोल, तो इस तरीके से अभी क्या है तुमको कुछ खास खास कंपाउंड केवल क्या कर लेना है, ये याद कर लेना है, क्या कर लेना है, याद कर लेना। अब जैसे एच वाला है, ये है क्या, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरे पे क्या है, ये डबल बॉन्ड था पहले, एक्चुअली ये खुल गया, यहाँ पर एच और एच है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 2H पायरन, ये एच इस बार बॉन्डिंग डबल बॉन्डिंग यहाँ शिफ्ट हो गई, ये बॉन्डिंग यहाँ शिफ्ट हो गई, ये एच यहाँ चल गया, तो 4 पे जो एच आ गया 4H पायरन। अब पायरन में तो क्या याद करोगे, क्या है ये, इस टाइप से बना लेना एक बार, और कहाँ पर ये एच खुल रहे हैं तो वो एच लग जाता है, रूल होते हैं थोड़े से, अभी इस समय हम लोग नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। एजिपिन 2H, एजिपिन 2H का मतलब यहां पर क्या लगा है, 2H खाली है। 7-methoxy 3H, 1, 2 और 3, है ना, H और H और 7 पे मिथॉक्सी आ जाएगा, तो ये C, क्लियर है। तो इस टाइप से थोड़ा सा इसको तुम लोगों को करना पड़ेगा, यहां पर क्या आएगा 3H, यहां पे आगे ने 3H है, एजिपिन 4H एजिपिन, है ना, यहाँ पे H और H है। तो ये कुछ खास खास मैंने दे दिए हैं जो तुम लोगों को पढ़ लेने हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, एजा, N के लिए एजा लगता है, साइक्लोप्रोपेन एजा साइक्लोब्यूटेन, ठीक है ना, 2-methyl 1-2 पे क्या है, मिथाइल है, एजोलिडीन, और ये इनके दूसरे नाम दे रखे हैं, क्लियर है। तो ये मैंने जो बता रहा हूँ फिर से ध्यान रखो, जो जो खास खास बता दिए केवल उतने पे ही फोकस करना है, उससे ज़्यादा कहीं नहीं जाने फोर्थ चैप्टर के लिए, ठीक है ना। ये ऑक्सा वाले आ गए, वो एन वाले थे, ये ओ वाले आ गए हमारे पास, ये एस वाला, एस को थाया पढ़ते हैं, क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है। नाउ चैप्टर नंबर 5-13, सब में एक ही सवाल पूछा गया है, स्टडी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, ये सब बातें अब हमें पता ही है, जिनके ऊपर स्टार लगा होगा उनकी हमें स्ट्रक्चर भी याद करने हैं, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, जिन पे स्टार नहीं है उनका केमिकल स्ट्रक्चर हमें नहीं पढ़ना है, बात समझ में आ गई है। तो किस टाइप का क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, तो देख लेते हैं एक बार, हम यहाँ पे इसके नजर डाल लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनेस्थेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, अब एनेस्थेटिक होगा उसमें क्या रहेगा, क्वेश्चन आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनेस्थेटिक, और 4 ऑप्शन होंगे, 1, 2, 3 और 4, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, अब तुम्हें पता होना चाहिए जो हमारे पास क्या है, हमारे कोर्स में एनेस्थेटिक के अंदर जो जो दे रखे हैं, अगर वो उनमें से कोई है तो ठीक, नहीं है तो वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सॉरी कौन सा है, उस पर टिक मार दोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनेस्थेटिक, 3 होंगे 1 नहीं होगा, उस पर टिक मार दोगे, ठीक है, एनेस्थेटिक और एक्स वाई जेड, बच्चों एक्स वाई जेड क्या है, कुछ भी हो सकता है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू ट्रीट एक्स वाई जेड डिजीज, अब कोई डिजीज दे देगा, है ना, डायबिटीज वगैरह या कोई पर्टिकुलर डिजीज दे देगा, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती है, तो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये ड्रग इसके लिए इस्तेमाल होती है। एक्स वाई जेड इज द ब्रांड नेम ऑफ, एक्स वाई जेड कोई ब्रांड नेम दे देगा, ठीक है ना, किसी का, और वो बोलेगा बताओ ये किसका ब्रांड नेम है, 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, उसको उठा करके हम भरना रहेगा यहाँ पर, क्लियर है बातें। ब्रांड नेम को लेकर क्वेश्चन, आईपीसी ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, बिल्कुल पूछ सकता है, कायदे में तो ये क्वेश्चन कहाँ चला जाना चाहिए, फोर्थ वाले में, वहाँ पे जितने भी हमारे पास आईओपीसी वाले स्ट्रक्चर हैं उनकी आईओपीसी पूछ सकता है, और स्ट्रक्चर बना रहेगा, क्वेश्चन बना रहेगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहेगा लंबा चौड़ा सा जो भी स्ट्रक्चर रहता है, 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, उनकी आईओपीसी पूछ सकता है। राइट डाउन द स्टोरेज कंडीशन फॉर एक्स वाई जेड, स्टोरेज मैंने कहा ना ये क्या हो गया 1 मार्क्स क्वेश्चन, स्टोरेज कंडीशन 2-3 देने होते हैं, जनरल दे ही दोगे तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, स्टोरेज कंडीशन याद है, जनरल तरीके बताता था मैं, ठीक है ना, तो स्टोरेज कंडीशन वाला या पर्टिकुलर कोई एक चीज बोल लेगा, केमिकल नेम क्या है ये, ठीक है ना, 1 मार्क्स से पूछ सकता है ये। अब 5-13 क्या है, आप बच्चे कहेंगे सर 5-13 तो बहुत बड़ा हो गया ना, उसमें क्या करना है, अभी उस पर भी आ रहे हैं, इनमें से किसको पढ़ लें, किसको प्रायोरिटी दे दें, पढ़ना सभी है, किसको
प्रायोरिटी दे दें। अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव में क्या आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्स वाई जेड, है ना। शॉर्ट नोट में तो फिर पता ही है, ऊपर के सारे पॉइंट सब लिखने, डिस्कस इज डिटेल वही सारे पॉइंट लिखने, डिफाइन एक्स वाई जेड एंड गिव इट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। अब किस किस के क्लासिफिकेशन पक्के से याद कर लो, किस किस के याद करने की जरूरत नहीं है, कम पढ़ना है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। तो बात समझ में आई, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तैयार रहना इस चीज के लिए। अब जैसे ऊपर हमने डिस्कस कर लिया कि इन इन चीज पे ज्यादा ध्यान देना है, यानी कि इंपॉर्टेंट कह लो उनको, तो आओ अगला सवाल ये है, कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछी जाएगी, वो किन टॉपिक्स में से पूछी जाएगी, किन में से संभावना ज्यादा है। तो बच्चों संभावना कहां ज्यादा है, मिल गया आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट रीड। आप लोग कोशिश करेंगे और जहां तक है बच्चों ने परचेस कर लिया होगा, ठीक है, या आपके किसी फ्रेंड ने परचेस कर लिया होगा, एक घंटे के लिए उससे वो मांग लो, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में जो जो ड्रग्स पूछे गए हैं उनको अपने सिलेबस में टिक मार लो कि हाँ ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये आ चुका है, और जो जो ड्रग्स आ चुके हैं उनको इनके अलावा, जो मैं बता रहा हूं उनके अलावा ऐड कर लेना, ये है अच्छी बात है। इनके अलावा कुछ पूछे गए हैं उनको रीड कर लेना, उन्हीं ड्रग्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उन्हीं ड्रग्स में से जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछने के तरीके हैं वो तो ऊपर वाले बता दिए मैंने, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं उसके अंदर, उन्हीं ड्रग्स में से पूछी जाएंगी। तो जो ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, एनेस्थीसिया पढ़ना ही पढ़ना है, एंटी डिप्रेसेंट, सिम्पैथोम्यूमेटिक एजेंट में डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर डोपामाइन को पक्के से पढ़ लेना है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट में एट्रोपिन सल्फेट को अच्छे से पढ़ लेना है, एंटी एरिथमिक में फिनाइटोन सोडियम को अच्छे से पढ़ लेना, मतलब ये तो पूरा पढ़ना ही है, फिनाइटोन पे ज्यादा फोकस करना है। इंसुलिन एंड इट्स प्रिपरेशन यूनिक है पूरा अपने आप में, बहुत ज्यादा संभावना आने की। डायूरेटिक पढ़नी पड़नी है, एनएसआईडी पढ़ना पड़ना है, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट पढ़ना है, एंटी मलेरियल, एंटीबायोटिक में पेंसिलिन पे ज्यादा फोकस करना है, एंटी न्यूप्लास्टिक में ब्यूसल्फॉन और सिस्प्लेटिन पे ज्यादा फोकस करना है। अब मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, किसी भी एक जो बच्चे पूछते हैं मुझ पर डिपेंडेंट है, फिर कह रहा हूं थोड़ा सा जरूर दाएं बाएं जरूर देखें किसी भी एक टीचर पे, मतलब हम लोग देखो कोशिश ये करते हैं कि मैक्सिमम चीजें कवर अप हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मेरे हिसाब से जो मैंने बताया है उसके अलावा ये काम पक्का कर लेना, किसी टीचर का मत देखो तुम ये काम अगर कर ले गए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बता दिया ऊपर किस टाइप से पूछे जाएंगे, तुमने अगर ये काम कर लिया कि अच्छा प्रीवियस ईयर में ये सारी चीजें ज्यादा पूछी गई थी, उन्हीं ड्रग्स को पक्के से पढ़ लेना, गारंटी इस बात की रहेगी कि पास बड़े आराम से हो जाओगे, ठीक है, वही तो मेन मुद्दा है। तो ठीक है बच्चों, थोड़ा सा लेक्चर लंबा भी हो गया ये, ठीक है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताया नहीं, हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बच्चों फिर बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं फिर ये बात कर रहा हूं, धोखा हो जाएगा, है ना। कुछ बच्चे ब्लाइंड फेथ करते हैं कुछ टीचर्स के ऊपर, अच्छी बात है, टीचर गाइड करते हैं, हर एक टीचर अपने हिसाब से बेस्ट बताता है, और कुछ बच्चे ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, एकदम आंख बंद करके टीचर भरोसा करते हैं कि बस इतना सर ने बोल दिया तो हम तो इतना ही पढ़ेंगे, बस वहाँ कई बार धोखा हो जाता है। और मैं वही चीज़ नहीं चाहता कि अगर कुछ बच्चे ब्लाइंड फेथ करके चल रहे हैं कि हाँ सर बता देंगे हम तो उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वहाँ बच्चों देखो धोखा हो सकता है, और धोखा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये मेरा प्रॉमिस है, लास्ट एग्जाम आई थिंक 13 या 15 को खत्म हो रहा है, मैं सामने आऊंगा फेस टू फेस और ये सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म कर दूंगा, नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल जड़ से खत्म कर दूंगा, मैं परेशान ना हो। क्यों, मैंने फिर से बताया, स्टार्टिंग में बताया था मैं लेट हो गया था, इस बार शुरुआत से आप लोगों से जुड़ूंगा। प्लस एक और चीज, लास्ट ईयर मैं बिजी भी था और चीजों में, इस बार मैं 100% ऑनलाइन पे आकर के आप लोगों का कोर्स टाइम से और समय से पूरा कराऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल भी डिले नहीं हो गया, हर एक चीज परफेक्ट चलेगी। इस बार जो डिले हो गया फिर से एक बार उसके लिए सॉरी, चीजें टाइम पे कुछ चीजें कवर नहीं कर पाया हूं, ठीक है। तो जितनी बातें बताई हैं सिर्फ उस पर फोकस करें, ठीक है, और थोड़ा सा रहम करो, मैं भी इंसान हूं, ठीक है, कई बार दिक्कतें हो जाती हैं, क्लियर है। तो बाकी बातें छोड़ते हुए यहां पे फोकस करना है, जो बातें बताई हैं उन पे पक्के से फोकस करना है, और जो टॉपिक समझा दिए हैं उस पे ज्यादा फोकस करना है, क्लियर है, समझ गए क्या करना है, जो बता दिया है उनको देख लें, ये वाला काम पक्के से कर लें, ठीक है ना, और रिवाइज करें, पढ़ते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पास हो जाएंगे, रिलैक्स रहो, ठीक है ना, बिल्कुल रिलैक्स, आराम से पास हो जाओगे, ठीक है, क्लियर है, ऑल द बेस्ट।